लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज हम बात करेंगे एसटीपी प्लांट के बारे में। जो सीवरेज का पानी होता है वो सबसे पहले अपने इनलेट चैम्बर में आके गिरता है। इनलेट चैम्बर के बाद में इसमें एक क्रॉस स्क्रीन लगी हुई होती है जो प्लास्टिक के बड़े बैग्स, पॉलीथीन्स, प्लास्टिक बॉटल्स आदि को क्लीन बेल्ट के ज़रिए एक अलग से कंटेनर में डंप करता है। उसके बाद में पानी और जो छोटा कचरा, छोटी पॉलीथीन्स हैं, वो पंप हाउस में जाती हैं। पंप हाउस में मोटर्स लगी हुई होती हैं जो अलग अलग एचपी के हिसाब से होती हैं। जैसे 10 एचपी की हो गई, 20 एचपी की हो गई, 50 एचपी की हो गई। इन मोटर्स को चालू करने के लिए इसमें एक कंट्रोल पैनल होता है। इस पैनल की सहायता से इन मोटर्स को पानी की क्वांटिटी के हिसाब से चालू किया जाता है। उसके बाद में एक ट्रांजेक्शन पाइप होता है। ट्रांजेक्शन पाइप के ज़रिए पानी को नीचे से उठाकर हमारे ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ भेजा जाता है। यहाँ पर फाइंड स्क्रीन लगी हुई होती है। फाइंड स्क्रीन में जितनी भी छोटे प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक की पॉलीथीन्स, छोटी बॉल, मतलब जितने भी प्लास्टिक्स या बड़ा कचरा होता है वो यहाँ पे अलग कर लिया जाता है। इस कचरे को फाइंड स्क्रीन एक बेल्ट, क्लीन बेल्ट पर डालती हैं। क्लीन बेल्ट रोलर की सहायता से घूमकर एक अलग से कंटेनर में डंप करता है। उसके बाद में हमारे पास पानी में केवल सॉलिड बचती है, ऑर्गेनिक मेटल्स बचते हैं। जो सॉलिड है वो ग्रिड चैम्बर में जाते हैं। ग्रिड चैम्बर में एक मोटर लगी हुई होती है। वह मोटर नीचे से रोल गोल तरीके से घूमती है। ये देखिए आपके सामने, इस मोटर की सहायता से जितनी भी मिट्टी होती है वो ऑर्गेनिक रिटर्न पंप की तरफ प्रेषित करती है। और ऑर्गेनिक रिटर्न पंप का काम यह है, वो जितनी भी ऑर्गेन्स और मिट्टी है उसको वो एक अलग से कंटेनर में या ट्रॉली में डंप कर देता है। अब हमारे पास पानी में केवल बैक्टीरिया बचे हैं। अब यहाँ से पानी जिस स्पीड से जाता है उसके लिए एक होता है मीटर। यहाँ से ग्रिड रिमूवल होता है। ग्रिड रिमूवल से जितनी भी मिट्टी थी वो हट चुकी है। ये मीटर है। मीटर कितनी स्पीड से पानी आगे की तरफ भेजा जा रहा है, कितना पानी भेजा जा रहा है, वो इस मीटर में शो करता है। इसके बाद में हमारे पास होते हैं सेलेक्टर जोन। सेलेक्टर जोन के अंदर बैक्टीरिया बनते हैं। इन बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम ब्लोवर चलाते हैं। ब्लोवर चलाने के बाद में यह एसबीआर टैंक है। एसबीआर टैंक अलग अलग तरीके से सेटलिंग होता है, अलग अलग तरीके से भरता है। तो हमारे पास दो टैंक हैं। ये सामने जो डायग्राम आ रहा है ये डिकेंडर का है। डिकेंडर का काम होता है एसबीआर के पानी, जो साफ पानी है, उसको बाहर आउटलेट की तरफ निकालना। यहाँ पर हमारे पास रास और सास पंप होता है। रास और सास पंप जितने भी एसबीआर टैंक के अंदर ऑर्गेनिक और जो मिट्टी होती है, स्लज होता है, उस स्लज को रिटर्न करता है ताकि बैक्टीरिया उनको फिर से नष्ट करके पानी में भेज सके। सेटलिंग के दौरान पानी को डिकेंडर के जरिए आउटलेट में भेज दिया जाता है। वहाँ से पानी को हम यूज कर सकते हैं किसानों के लिए, सिंचाई के लिए। यहाँ से हमारा पानी आउटलेट के लिए जाता है। यहाँ बड़े बड़े पाइप्स होते हैं। एसबीआर टैंक के पानी को क्लोरीन के साथ मिक्स करके छोड़ा जाता है। जितने भी गंदे बैक्टीरिया होते हैं इन सबको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। एसटीपी ट्रीटमेंट प्लांट से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए।
मैं हो सकता है आपके लिए पर्सनली कोई वीडियो बना पाऊँ। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राम राम।